अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यार, आज हम लोग रिव्यू करेंगे उसका, इसका नहीं, X7 का। तो आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है क्रॉस ओवर SUV का स्पेशली। सही बात है यार, तो इतनी गाड़ियाँ है, यहाँ पे खड़ी है 7 सीटर और इस साइड पे खड़ी है 5 सीटर। जो ये इसमें इन दोनों में टॉप ऑफ द लाइन होगा वो ये होगा, लेकिन हम रिव्यू करेंगे उसका बिकॉज वो 7 सीटर है। आपको पता है पाकिस्तान में आवाम जो है वो ज़्यादा देखती है कि कैपेसिटी सीट्स की कैपेसिटी कितनी यार, की करना है ऐसी ऑप्शन दा है। हाँ, 7 सीटर है और ये 5 सीटर है, तो रिव्यू करते हैं उसका। स्टार्ट चले। तो ये है चंगान की ओशान X7। ये न्यूली लॉन्च्ड है और इससे पहले चंगान ने जो है वो दो गाड़ियाँ लॉन्च की थी, एक तो कारवा है और दूसरी जो है वो वहाँ खड़ी है एल्सविन। और अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी जो है बेसिकली 1.5 लीटर टर्बो इंजन के साथ आती है और इसके अंदर जो है वो दो वेरियंट्स आते हैं। ये वाला जो वेरियंट है ये 7 सीटर है जिसको इन्होंने कम्फर्ट के नाम से लॉन्च किया है, और जो दूसरा वेरियंट है उसके अंदर ऑप्शन ज़्यादा हैं बट उसके अंदर 5 सीट्स हैं और उसका नाम जो है वो फ्यूचर सेंस है। वो एक तरह से इनका फुली लोडेड मॉडल है। और अगर हम इस गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो हुड का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्लीक सा जो है और एक नॉर्मल जो डिज़ाइन होता है उस तरह का है, बहुत ज़्यादा कट्स एंड कर्व्स नज़र नहीं आ रहे। और अगर मैं इसका हुड ओपन करूं, हुड आप देख सकते हैं कि इसका जो इंजन है वो कम्प्लीटली कवर्ड है। ब्लू कोर इंजन है, 1.5 लीटर टर्बो इंजन है और इसकी जो हॉर्स पावर है वो 186 है और इसके जो न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है वो 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। इसको हम लोग क्लोज़ करते हैं और इसके टॉर्क की मैं बात कर रहा था, तो ये जो फिगर्स हैं ये इस कैटेगरी की जितनी भी गाड़ियां अब तक लॉन्च हुई हैं क्रॉसओवर SUVs उनमें सबसे ज़्यादा हैं। इवन के जो अब आप देख सकते हैं कि 2.7 लीटर में फॉर्च्यूनर आती है उससे भी ज़्यादा इसका टॉर्क फिगर है, तो एक तरह से पावर के अंदर जो है ये गाड़ी कम नहीं है। तो इसके हम फ्रंट की बात करते हैं, सेंटर में जो इसके आप देख सकते हैं कि क्रोम ग्रिल के साथ, क्रोम आउटलाइंस के साथ पियानो ब्लैक की इसकी ग्रिल है जिसके अंदर इंटीग्रेट किया हुआ इन्होंने चंगान का बैज। और उसके अगर हम नीचे देखेंगे तो इसकी जो ये फ्रंट ग्रिल है ये सर्ज वेव ग्रिल है जो कि इंस्पायर्ड है फ्रॉम सी वेव्स, जो पानी की लहरें होती हैं उससे इंस्पायर्ड है। आप देख सकते हैं डिज़ाइन इसका बड़ा खूबसूरत है, पियानो ब्लैक और ये जो ट्रिम है इसकी क्रोम के साथ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये एक कटआउट नज़र आ रहा है जिसके अंदर फ्रंट कैम होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर जो है ये 7 सीटर है, इसमें ऑप्शंस कम है तो इसके अंदर नहीं है। तो ये जो इसका फुल ऑप्शन है उसके अंदर यहाँ पर फ्रंट कैम लगा होता है। और अगर हम इस ग्रिल की आउटलाइन को देखें नीचे से तो यहाँ पर आपको क्रोम की जो है वो कंप्लीट आउटलाइन नज़र आ रही है। उसके नीचे यहाँ पर ओशान X7 आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेट लगाने की जगह। उसके नीचे अगर हम चलें तो ये मोस्टली लोग जो है वो मिस कर देते हैं, वो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ जो है ये नॉर्मल जो एक प्लास्टिक होता है उसके अंदर, लेकिन ये आपको थोड़ा सा ग्लॉस में नज़र आ रहा है ये वाला पीस। तो ये जो पीस है इस गाड़ी के अंदर तो रेडार नहीं है, लेकिन जो इसका फुल ऑप्शन है उसका रेडार इस जगह पर लगा होता है। और अगर हम इसकी बाकी ग्रिल की बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं रेडिएटर नज़र आ रहा है और यहाँ से जो है इसकी फ्रंट लिप जो है उसके अंदर भी थोड़े से कटआउट्स इन्होंने दिए हुए हैं। मज़ीद अगर हम इसकी लाइट्स की बात करें तो लाइट्स जो है वो ऊपर से हम देखते हैं कि ये जो पूरी इसकी लाइन है ये इसकी DRLs हैं, उसके अंदर जो है वो इसकी पार्किंग लाइट्स हैं, ये इसकी हेडलाइट्स नहीं है। मोस्टली लोग कंफ्यूज होंगे कि ये हेडलाइट्स हैं लेकिन ये हेडलाइट्स नहीं है, हेडलाइट इसकी यहाँ पर है। तो ये जो है बाई प्रोजेक्शन LED हेडलाइट्स हैं इसके अंदर जो कि एडजस्टेबल भी हैं। और उसकी हाउसिंग आप देख सकते हैं कि पियानो ब्लैक की बड़ी खूबसूरत ट्रिम के साथ है। उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये रेड एक्सेंट इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है जो कि गाड़ी की ये फ्रंट पर भी दो साइडों पर है और इसी तरह गाड़ी की जो है वो साइड पर भी काफ़ी एक स्पोर्टी और खूबसूरत लुक गाड़ी को दे रहा है। सेकेंडली इसकी अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि इसकी जो ये कटआउट है ये क्रॉस ओवर SUVs के अंदर सारी गाड़ियों में ही होती है जो आपको अभी दिखा रहा होगा। ये पूरी आउटलाइन जो है वो कंप्लीट गाड़ी के अंदर होती है। और अगर हम इसके व्हील्स की बात करें तो व्हील्स का जो साइज़ है वो 19 इंच के इसके मल्टी स्पोक टर्बाइन स्टाइल के व्हील्स हैं जो कि अगर मेरे ख्याल से इसके अंदर ब्लैक एक्सेंट होते तो ज़्यादा खूबसूरत लगते, लेकिन ये भी अच्छे लग रहे हैं गाड़ी के अंदर। इसके टायर साइज़ की अगर बात करें तो 225x55 जो है इसका टायर साइज़ है। और अगर हम इसके मजीद साइड प्रोफाइल की बात करें तो नीचे जो इसकी आउटलाइन है उसके अंदर मैंने फ्रंट पर आपको दिखाया था कि ये जो रेड एक्सेंट है ये साइड पर दिया हुआ है जो कि इसको इसकी लुक को थोड़ा सा और ज़्यादा उभार रहा है। इसके मिरर्स की बात करें तो मिरर के अंदर है वो LED लाइट यहाँ पर इंडिकेटर के तौर पे दी हुई है। 2-tone इसका मिरर है, नीचे से ब्लैक है और ऊपर से बॉडी कलर के साथ है। इसके अंदर हीटेड भी आता है मिरर्स। मजीद अगर हम इसके ऊपर की बात करें तो यहाँ पर क्रोम की जो है वो आउटलाइन ऑल द वे थ्रू द बैक जा रही है और नीचे वाली साइड पे वो क्रोम नहीं है जो कि इसको एक डिफरेंट लुक गाड़ी को दे रहा है। और ऊपर अगर हम देखें तो गाड़ी के अंदर रूफ रेल्स भी हैं जो कि क्रॉस ओवर SUV की निशानी है। और इसकी अगर हम डोर हैंडल्स की बात करें तो इसके अंदर स्मार्ट एंट्री भी यहाँ पर बटन दिया हुआ है।
मज़ीद अगर हम इसकी बैक की तरफ चलें तो यहाँ पे बैक जाने से पहले ये करेक्टर लाइन जो है, एक ये इसकी करेक्टर लाइन है और एक यहाँ से जो करेक्टर लाइन नज़र आ रही है इसके डोर हैंडल तक जा रही है, वो भी बड़ी खूबसूरत गाड़ी को लुक दे रही है। बाकी अगर हम इसके बैक की तरफ चलें तो यहाँ से क्वार्टर विंडो की तरफ आप देखेंगे तो इसकी क्वार्टर विंडो भी है। और वन थिंग टू मैंशन कि इस गाड़ी का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको आप फॉर्चूनर से कंपेयर कर सकते हैं, उतनी मतलब इसकी लेंथ है। और अगर हम ऊपर देखेंगे रूफ़ रेल्स के साथ ही, तो यहाँ पर मशहूर ज़माना जो है हमारा शार्क फिन एंटीना आ जाता है। और उसी के साथ अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड ट्रंक स्पॉयलर के साथ काफ़ी बड़ा सा जो है वो हाई माउंट ब्रेक लैंप दिया गया। नीचे विंडो के अंदर जो है वो बैक वाइपर भी है। और उसी के नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर चंगान का लोगो है जो कि फ्रंट से थोड़ा सा छोटा है। और इसकी अगर हम इसकी लाइट्स की बात करें, बैक लाइट्स, तो बैक लाइट्स बड़ी खूबसूरत हैं और ये फुल जो है यहाँ पे लाइट बार जलती है और लावा स्टाइल की जो है LEDs इसके अंदर दी गई हैं। और मज़ीद अगर हम नीचे देखें तो इसकी जो है वो यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं। और नीचे अगर चलेंगे तो X7 का बैज है और 300T जो है वो इसका वेरियंट का नाम है जो कि इन्होंने दिया है। दोनों वेरियंट के अंदर यही नेम जो है, यही बैजिंग सेम आपको मिलेगी। और लाइट्स के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर ओशान की जो है वो बैजिंग है जो कि क्रोम ग्रिल के अंदर जो है इन्होंने दी हुई है। उसके नीचे अगर हम चलें तो यहाँ पर चंगान की बैजिंग भी दी हुई है इन्होंने। और उसके साथ ही अगर हम नीचे मज़ीद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर है और इसकी ब्रेक लाइट्स हैं और इसके अंदर जो पार्किंग सेंसर हैं वो बैक पर दिए गए हैं। दोनों वेरिएंट्स के अंदर जो है वो सेम पार्किंग सेंसर आते हैं। और उसके नीचे अगर आप मज़ीद नीचे देखेंगे तो डिफ्यूज़र स्टाइल का जो है वो बम्पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिफ्यूज़र बना हुआ है। और वन थिंग टू मैंशन जो कि मुझे थोड़ी अजीब लगी और बुरी भी लगी है कि इसके जो एग्जॉस्ट हैं वो फेक हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये फेक एग्जॉस्ट है, इसके अंदर सिंगल एग्जॉस्ट आता है लेकिन इन्होंने लुक के लिए जो है वो फेक ट्विन एग्जॉस्ट दिए हुए हैं। और यहीं पर इसका जो है एक्सटीरियर की हम बात ख़त्म करते हैं और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि क्या सीन है इसका। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर से पहले आपको मैं गाड़ी की दिखाता हूँ। की जो है वो बड़े एक डिफरेंट स्टाइल की बनी हुई है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रही है। इसके अंदर जो है एक्सेंट्स जो हैं वो क्रोम के हैं और यहाँ पर लॉक अनलॉक का बटन है। वन थिंग टू मेंशन कि यहाँ पर गाड़ी के स्टार्ट करने का भी जो है वो भी बटन दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रंक के साथ जो है 2x लिखा हुआ है कि आप दो दफ़ा प्रेस करेंगे तो ट्रंक ओपन हो जाएगी। बैक जो है वो इसकी सिंपल है, चंगान का लोगो है। गाड़ी के अंदर चलते हैं, स्मार्ट एंट्री का बटन प्रेस करेंगे तो गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाएगी। उसके साथ ही अगर हम अंदर चलें तो यहाँ पे इसका जो है वो आप इंटीरियर देखेंगे, कितना खूबसूरत इंटीरियर है इसका, ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। और उसके साथ ही हम अगर डोर्स की बात करें तो डोर्स के अंदर जो है वो लेदर की पैडिंग हुई हुई है और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक के जो है वो फिनिश के साथ है। ऑल ऑटो मिरर्स हैं इसके। और उसके साथ ही अगर देखें तो यहाँ पर लॉक अनलॉक जो है वो सेंट्रल लॉकिंग भी दिया गया। नीचे अगर देखेंगे तो बॉटल होल्डर भी है और यहाँ पर छोटी सी फाइल्स रखने की भी जगह है। और इसके स्पीकर के ऊपर जो मैंने एक चीज़ नोटिस की वो यहाँ पर आपको ओशान की जो है वो बैजिंग भी नज़र आ रही है। और बाकी अगर हम इंटीरियर की तरफ चलें गाड़ी के तो इंटीरियर में एंट्री एग्जिट थोड़ी सी मुझे ना मुश्किल लग रही है। उसका वजह यह है कि यहाँ पे ये गाड़ी की जो सीट है ये फुल पीछे नहीं होती और यहाँ पे अगर आप नीचे करेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी जो है वो सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है। और उसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स भी हैं जो इसका 5 सीटर वेरिएंट है। उसके अंदर ड्राइवर साइड के साथ साथ पैसेंजर साइड की भी इलेक्ट्रिक सीट्स हैं लेकिन इसके अंदर वो इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं हैं। और अगर हम इसके स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो डी शेप स्टेयरिंग व्हील है, नीचे से फ्लैट बॉटम है और थोड़ा सा जो है वो ये स्पोर्टी लुक जो है गाड़ी को दे रहा है। और इसके अंदर जो स्टेयरिंग व्हील है वो सिंपल आप देख रहे हैं, इसके अंदर कोई लेदर की जो है वो पैडिंग नहीं हुई हुई। जो 5 सीटर वाला है फुल ऑप्शन, उसके अंदर जो है वो लेदर की पैडिंग भी हुई हुई है। और मज़ीद अगर हम इसके साइड पे ऑप्शंस की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऑप्शंस थोड़े से कम हैं बट एट द सेम टाइम यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट है हेडलाइट्स की और यहाँ पर डाउनहिल असिस्ट भी है, उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल भी है और यहाँ से आप रिट्रैक्टेबल मिरर्स लेफ्ट और राइट करके एडजस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप भी है जो कि फ्यूल सेविंग ऑप्शन है इसका। और मज़ीद अगर हम इसके मीटर की बात करें तो मीटर जो है इसका कम्प्लीटली डिजिटल 7 इंच की जो है वो LCD इसके अंदर लगी हुई है, जिसका आप स्टाइल देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है इसका। उसके अंदर आप ऑप्शंस देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी जो है वो स्टेशनरी है और स्टार्ट भी नहीं है, तो 0 किलोमीटर के ऊपर जो है स्पीड आ रही है, नीचे कार बनी आ रही है। और उसके साथ ही अगर हम यहाँ से जो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इस स्टेयरिंग व्हील के बटन से, तो यहाँ पे पर 100 किलोमीटर की 7.3 लीटर की एवरेज दे रही है। गाड़ी खड़ी है तो ऐसे ही शो करेगी ये। और यहाँ पे मज़ीद जो है वो इंस्टेंट फ्यूल एवरेज दे रही है। उसके बाद फ्यूल कंजप्शन जो है वो 10.4 यहाँ पे एक और आ रही है। ट्रिप जो है वो 6.1 यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके अंदर TPMS जो है वो टायर इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पे डिस्प्ले होता है। उसके साथ ही जो है अगर आप देखेंगे तो RPM मीटर जो है वो इसका राइट साइड पर है और इसकी स्पीडोमीटर जो है वो यहाँ पर गिवन है। और मज़ीद इसमें फ्यूल की इस साइड पे ऑप्शन है और हीट की भी ऑप्शन है दूसरी साइड पे। और इसकी इस साइड पे हम लोग ख़त्म करते हैं और चलते हैं दूसरी साइड पे और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन हैं।
तो अब हम लोग आ गए गाड़ी की इस साइड पे। इस साइड पे सबसे पहली चीज़ मैं मेंशन करूँगा कि गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील जो है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक नहीं है, सिर्फ टिल्ट है, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, अपनी तरफ नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको मेंशन करूँगा कि वो ये है कि इसका आप डिज़ाइन देखें, डैशबोर्ड का जो है वो कम्प्लीटली स्लीक डिज़ाइन है, और देखें कि बहुत कम चीज़ें हैं लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है। और एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का इनका है, नॉर्मली जो है वो कन्वेंशनल SUVs के अंदर, क्रॉसओवर्स के अंदर जो है वो बिल्कुल फ्लैट और कोई चीज़ ही नहीं होती उसके अंदर। इसमें ज़रा इन्होंने लेदर की पैडिंग जो है वो दी हुई है, प्रीमियम लेदर है ये। और उसके साथ ही यहाँ पर जो है सेंटर में AC के वेंट्स हैं जो कि एक इस तरह फ्लैट सा डिज़ाइन बना हुआ है। और मज़ीद अगर हम इसकी LCD की बात करें तो वो उसकी LCD जो है ये पियानो ब्लैक के उसके अंदर एक्सेंट के अंदर जो है इन्होंने दी हुई है, और इसका साइज़ जो है वो 10 inches की LCD है ये। और मज़ीद अगर हम उसके नीचे चलें तो उसके अंदर यहाँ पर जो है कम्प्लीटली टच बटन्स के साथ ये, इवन इसका हैज़र्ड का बटन जो है वो भी टच है। उसके साथ इनके ऑप्शन हैं सारे, AC के कंट्रोल्स हैं, सिंगल जोन AC कंट्रोल है जो कि मेरे हिसाब से इस गाड़ी में ड्यूल जोन होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और मज़ीद अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे पियानो ब्लैक बड़े खूबसूरत फिनिश के साथ एक कंपार्टमेंट है जिसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर 2 कप होल्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ ही अगर हम इसके गियर लीवर की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का गियर लीवर है। आपको याद होगा कि हमने यूनिटी का रिव्यू किया था जिसका लिंक ऊपर चल रहा होगा, उसके अंदर भी बिल्कुल सिमिलर यही वाला डिज़ाइन जो है इसके गियर लीवर का था। और गियर्स जो हैं इसके, आप ट्रांसमिशन की बात करें तो DCT ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन जो कि सिमिलर है, एल्सविन के अंदर भी इन्होंने यही वाला ट्रांसमिशन दिया था तो वही सेम ट्रांसमिशन जो है इसके अंदर भी है। और इसमें यहाँ देख सकते हैं कि ट्रिप्टॉनिक प्लस माइनस करके आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ड्राइविंग मोड्स की बात करें तो ड्राइविंग मोड्स जो हैं वो आपको LCD में अली दिखाएगा कि एक तो कम्फर्ट है, उसके बाद स्पोर्ट है, स्पोर्ट में जो है इसका मीटर भी रेड हो जाता है, और उसके साथ ईको है, और एक कस्टम है जो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हम ड्राइविंग मोड्स की बात करें तो एक और ऑप्शन जो मैंने आपको बताना था वो इसका स्टेयरिंग व्हील का है कि आप स्टेयरिंग व्हील को सेंसिटिविटी है उसके अंदर भी आप 3 ऑप्शन जो हैं वो बेसिकली LCD से यहाँ पर कंट्रोल होते हैं, तो उसके अंदर जो है आप स्टेयरिंग व्हील की जो सेंसिटिविटी है उसको चेंज कर सकते हैं। उसमें भी एक कस्टम का ऑप्शन है जिसमें आप अपने हिसाब से भी इसकी सेंसिटिविटी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी पार्किंग ब्रेक की बात करें तो पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है और ऑटो होल्ड के फंक्शन के साथ है। उसके बाद अगर इसके आर्मरेस्ट पर देखें तो यहाँ पर चंगान की क्रोम के अंदर बैजिंग है, उसको ओपन करते हैं तो अंदर जो है वो 12 वोल्ट का और मैक्स 120 वाट का चार्जिंग सॉकेट है, और 2 USB पोर्ट्स हैं जो कि चार्जिंग पोर्ट्स हैं। और इसके अगर हम डैशबोर्ड के डिज़ाइन की बात करें तो डैशबोर्ड के नीचे जो है यहाँ पे बहुत ही छोटी सी स्पेस है, आप देखें अली भी स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ बैठ के, और ये जो है इस तरह ओपन होता है। और मज़ीद अगर हम इसके ऊपर की बात करें तो इसका जो सन वाइज़र है उसके अंदर मिरर है और ऊपर लाइट जली हुई है जो कि जल नहीं रही, आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पर अगर आप इसकी कैबिन लाइट्स देखेंगे तो वो भी LED वाली हैं, और उसके साथ यहाँ पर सनग्लासेस होल्डर है। और जो दूसरी साइड है उसके यहाँ पे आप देखें तो ये यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, और ये लाइट जो है इसको इस तरह पुश करके हम ऑन कर सकते हैं। और वन थिंग टू मेंशन कि इसका जो बैक व्यू मिरर है वो दोनों जो है 5 सीटर और 7 सीटर दोनों के अंदर ऑटो डिमिंग नहीं है, ये मैनुअल वाला ही है इसके अंदर। और अगर हम इसकी सनरूफ की बात करें, सनरूफ जो है वो दोनों के अंदर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो 1 touch है, मैंने एक दफ़ा टच किया और ये जो है कम्प्लीटली बैक की तरफ जा रही है। तो दोनों के अंदर ये वाले ऑप्शंस हैं। और इसके फ्रंट पे अगर हम देखें तो और इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस की वैसे कमी तो नहीं है। चलते हैं बैक सीट्स की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। ओके, तो अब हम लोग आ गए गाड़ी की बैक सीट्स की तरफ, और बैक सीट में सबसे पहले मैं आपको लेग रूम दिखाता हूँ। लेग रूम जो है मैंने आपके सामने अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट किया था, और मेरी यहाँ पे लेग्स जो हैं वो टच हो रही हैं। थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसकी लेग रूम जो है वो इसलिए कम है कि इसकी बैक पर जो है वो 2 extra seats हैं जो कि 7 seater इसको बना देती हैं। और वन थिंग टू मैंशन कि यहाँ पर नीचे जो है जो लीवर होता है जैसे फ्रंट सीट्स के ऊपर होता है कि आप इसकी जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं इसको यहाँ से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर हम इस साइड पर देखें तो यहाँ से आप रिक्लाइन भी इसको कर सकते हैं सीट्स को, और ये नीचे भी आ जाती हैं, तो ये एक अच्छा फीचर है इसके अंदर। आर्मरेस्ट जो है गाड़ी के अंदर नहीं है। ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LED रीडिंग लाइट्स दोनों साइडों पर दी हुई हैं। सेंटर में कैबिन लाइट्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ है। और मज़ीद जो है यहाँ पे सेंटर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको AC के वेंट्स भी मिल जाते हैं, और नीचे जो है वो एक चार्जिंग पोर्ट भी USB की दी हुई है। उसके साथ ही अगर हम सीट्स के अंदर देखें तो यहाँ पर ये पॉकेट्स भी हैं सीट के अंदर जो कि एक अच्छी चीज़ है। और उसके साथ ही अगर हम हेडरूम की बात करें तो हेडरूम जो है वो आपके सामने है, गाड़ी की हाइट अच्छी खासी है तो हेडरूम भी अच्छा खासा ही मिल रहा है। और उसके साथ हम चलते हैं ट्रंक की तरफ और ट्रंक में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं। ओके, तो अब हम लोग आ गए गाड़ी की ट्रंक की तरफ, और ट्रंक को जो है मैं ये डबल प्रेस करके
अनलॉक करता हूँ इसको, और ये अनलॉक हो गई है, इसको आराम से हम लिफ्ट करेंगे। इस गाड़ी के अंदर जो ये 7 सीटर है, इसके अंदर एक ऑप्शन मिसिंग है, वो ये है कि इसकी ऑटो बूट नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कटआउट बना हुआ है। दूसरी जो गाड़ी है इसके 5 सीटर वाली, उसके अंदर यहाँ पर एक बटन होता है जिसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बूट नीचे और ऊपर हो जाती है। इसकी अगर हम ट्रंक स्पेस की भी बात करें तो ट्रंक स्पेस जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग है बिकॉज ऑफ दीज टू सीट्स। और अगर हम इसको यहाँ से लिफ्ट करें तो ये सीट्स जो हैं वो बिल्कुल नीचे चली जाती हैं, अगर आपने जो है अपनी ट्रंक स्पेस इंक्रीज़ करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो है ट्रंक स्पेस इंक्रीज़ हो गई है और काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अनदर थिंग टू मेंशन कि यहाँ पर जो है वो ट्रंक के अंदर एक लाइट भी दी हुई है। नीचे अगर हम देखें ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर जैक रॉड और तमाम जो ऑप्शंस होते हैं गाड़ी के वो भी हैं। और उसके साथ ही हम लोग इसकी ट्रंक को क्लोज़ करते हैं और रिव्यू को ख़त्म करते हैं। इसकी प्राइसेस जो हैं वो 5 सीटर की जो है वो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, वो 5950 है। और अगर हम इस वेरिएंट की बात करें जो 7 सीटर है, उसकी प्राइस जो है वो 5750 है। तो वो नीचे मेंशन भी हो रही होंगी। उसके साथ हम लोग रिव्यू को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।